पारिवारिक विवाद में पत्नी ने पति और ससुरालियों पर लगाए कई गंभीर आरोप। सुनिए क्या कहना है रजिया पठान का। मैं रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। सोमवार 27 मार्च को शाम के समय एक पारिवारिक विवाद का मामला सामने आया। रजिया पठान नाम की एक महिला है, उसके चार बच्चे हैं, नारायण नगर के हैदरबाग में वो एक फ्लैट में रहती है। शाम के समय उनकी सास कुछ महिलाओं के साथ पहुंची और रजिया पठान उनको घर में लेने तैयार नहीं थी। इसी बात को लेकर के विवाद हुआ। पता चला कि ये विवाद काफी पहले से चल रहा है। MIM में रह चुके और अब मुमरा प्रवासी संघ से जुड़े हुए अब्दुल्ला पठान, इनके छोटे भाई है रियाज पठान, इनकी ये पत्नी है रजिया पठान। अब रजिया पठान ने अपने पति रियाज पठान, जो कि पनवेल के कालसेकर कॉलेज में प्रोफेसर का काम करते हैं, उन पर, एडवोकेट अब्दुल्ला पठान पर, उनके माता पिता और उनके कोई करीबी है मोहसिन वाडेकर, इन पर काफी गंभीर आरोप लगाए हैं। शादी कैसे हुई, किस तरीके से दहेज लिया गया, ऐसे कई सारे आरोप, मारपीट भी इसमें शामिल है। कुल मिलाकर के हम यहाँ पर आपको रजिया पठान ने क्या इस पूरे मामले को लेकर कहा है वो बता रहे हैं, और सोमवार 27 मार्च को किस तरह से यहाँ पर इनके बीच जो है रजिया पठान की सास, उनके पति की माँ जो है यहाँ पहुंची थी महिलाओं के साथ, वो वीडियोस भी हम आपको बता रहे हैं। और इस संबंध में हमारी एडवोकेट अब्दुल्ला पठान, इनसे भी बात हुई है और उनका, उनके भाई रियाज पठान का और उनके परिवार का क्या कहना है वो भी हम इस खबर के फॉलोअप के तौर पर आपको बताएंगे। क्या नाम है आपका? रिजवाना। कुछ आप रो रहे थे, कुछ आपकी तकलीफें बता रहे थे, तो क्या पूरा मामला है और क्या कहना चाहिए? मेरा मामला ये है कि मैं शादी होके, मेरे 12 साल हो रहे रियाज पठान के साथ शादी करके इसी घर में आई हूँ मैं, और मेरे को बाद में सास ससुर ने घर से निकाल दिए एक साल के बाद। उसके बाद कब हुई थी आपकी शादी? 2012 में हो गई थी मेरी शादी। अच्छा। उसके बाद मेरे को सास ससुर ने एक साल के बाद निकाल दिए घर से, 2013 में जी। उसके बाद मेरे मतलब झगड़ा फिसाद उसी दरमियान हो गया, फिर उसमें एक मिसकैरेज हो गया मेरा। फिर मेरे को सास ससुर सब मारते थे, इतना मारते थे, पैसों के लिए बोलते थे माँ बाप कैसे पैसा लेकर आओ, उनके हमें पैसा। तो आपकी शादी रजाबंदी से हुई थी या लव मैरिज? नहीं नहीं नहीं, रजाबंदी से हो गई थी। इन लोग मेरे को आए थे वहाँ पे, पसंद किए, पहले से सास ससुर आए, फिर शोहर आए, फिर देवर जेठ आए, सब ने पसंद से किए, फिर रस्म हो गया। फिर उनकी डिमांड थी कि भाई हम हाईफाई है बम्बई के, हमको शादी अच्छी से अच्छी होना। तो अम्मी पापा ने 15 लाख खर्चा करके उनको शादी कराए थे। उसके बाद से उनको 2 लाख कैश हुंडा दिए भाई, फिर 10 तोला उनको सोना दिए, फिर सब कुछ करे, इतना मतलब बहुत किए उनको। फिर 4 सीजर हो गए मेरे भाई, मैं नहीं रखना चाहती थी सीजर। अच्छा, अभी आपके चार बच्चे ये बड़ा तो बेटा है। रियाज पठान जो है आपके हस्बैंड है, तो ये कहाँ रहते? अभी अम्मी के पास रह रहे, माउंटेन वैली में। माउंटेन वैली अच्छा, वहाँ ही रहते। 6 महीने से 1 रुपया नहीं दिए भाई उन्होंने मेरे को, 1 रुपया नहीं दिए भाई। अगर हराम होगा 1 रुपया भी दिए तो खाने के लिए भी तरसती हूँ भाई मैं, मस्जिद से पैसा आता है मेरे को, बच्चे मेरे कैसा कैसा मैं पाल रही, मेरे को पता ना। आज तो मेरे देवर जेठ घर पे आके मेरे को परेशान कर रहे हैं, सिराज पठान और अब्दुल्ला पठान। बोलता मैं एडवोकेट है मेरा। अब्दुल्ला पठान कौन है? अब्दुल्ला पठान मेरे शोहर का बड़ा भाई है। बोलता मैं एडवोकेट है मेरा, कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता। बोले मतलब एडवोकेट होने का गलत फायदा होता है। गलत फायदा होता है। आपके जो रियाज पठान है ये काम वगैरह क्या करते हैं? रियाज पठान प्रोफेसर है। कहाँ पे प्रोफेसर? कालसेकर कॉलेज में, इंजीनियरिंग कॉलेज में। मुमरा के या पनवेल के कालसेकर कॉलेज में प्रोफेसर है जी। अच्छा, तो आपको क्या तकलीफें दे रहे हैं? मतलब मतलब इतना बुरे तरीके से मारते हैं। एक तो उन्होंने नशे के आदि हो गए, ठीक है होते नहीं, वो भी उनका मैंने ये कर ली थी, इग्नोर कर दी, वो भी मेरे को पता नहीं था नशे का आदि क्या है बोल के। लेकिन जब मैंने आयुर्वेदिक बोल के उन्होंने घर छोड़ के गया अभी 6 महीने पहले, तो वहाँ पे मैंने कंप्लेंट दी, तो बोले क्या हुआ, कुछ अफेयर वगैरह है? तो बोले अफेयर वगैरह कुछ नहीं उनका, क्योंकि मेरे साथ रहते थे। तो बोले ऐसा हो ही नहीं सकता। बोले क्या है क्या नहीं, उनके माँ बाप को रियाज पठान जो है तो हिस्सा मांगते हैं उनके, उनका हमारे पास वॉइस मैसेज है, रिकॉर्डिंग है हमारे पास। उसके बाद आपने कंप्लेंट कुछ किए थे? बहुत कंप्लेंट करी है, लेकिन कुछ फर्क नहीं हो रहा, कुछ भी असर नहीं हुआ। अच्छा, आज भी आपका कुछ विवाद हुआ जी, तो किस चीज का विवाद था, क्या हुआ था? आज जो है तो पुलिस में मैडम ने क्या आपका प्रचार दिया, आप क्या नाम है? हम इनके बहन है, जब भी वक्त पे नाम क्या है आपका? तरन्नुम नाम है। अच्छा। हर वक्त इनका साथ देते हैं, हम इनके बहन है, हर जगह पे, हर पब्लिक, इस सोसाइटी भी, ये भी जो सोसाइटी है तो इनकी मदद कर रही है, बच्चों को खाना दे रही है, यहाँ के लोग भी अच्छे है, वही हमको हेल्प कर रहे हैं। लेकिन इनको आज हम उमरा पैलेस के पास गए थे हेल्प लेने के लिए, उन्होंने बोले आप कलवा
कलवा पुलिस चौकी थाना में जाओ बोल के। हम वहां पे जब गए उन्होंने सुबह से लेके दोपहर शाम तक हमको बिठाया, यहाँ तक कि हमने चैप्टर लगा दिया, ऐसा बता रहे थे। चैप्टर लगाते हैं, ये देखो अभी जब नहीं हुआ चैप्टर केस के, मेरे को एनसी रोज दाढ़ी में, ये लोग आके रोज दिखाना कर रहे, शाम में कर रहे, सुबह में कर रहे, रोज कर रहे। पठान लेकिन अभी जब इंसाफ ले रहे तो इनके ऊपर चैप्टर केस कैसा, जब इंसाफ के लिए जा रहे तो चैप्टर केस लेडीज के ऊपर नहीं लगाया जाता। और मेरे वहाँ पे हम जाके बैठे वहाँ पे रिक्वेस्ट कर रहे, जब हमने बोले कि घर के ऊपर हमला हो रहा, हमारा बच्चा एक आधा मर जाएगा, तो वो लोग हमको वहां से हटाया गया कि जाओ तुम जाओ कुछ नहीं होगा करके। फिर उसके बाद में वहीं के पुलिस ने कॉल किया और उन्होंने हमको पुलिस यहाँ पे भेजे। लेकिन पुलिस अच्छा, आपका भी कुछ अब्दुल्ला पठान और इनका कुछ विवाद हुआ था। जब भी आपने भी कोई एफआईआर दर्ज किया? जब भी हम इनको सही, इनको मालूम है रियाज पठान जो है तो बहुत ज्यादा मारते। नहीं, आपने भी कोई एफआईआर दर्ज कराई? एफआईआर दर्ज की है अब्दुल्ला, एडवोकेट अब्दुल्ला सिराज। और क्या क्या एफआईआर दिया? रियाज पठान जो जियो में काम करता है। हाँ, क्या क्या एफआईआर दिया? रियाज पठान और उसके बाद में रियाज पठान, इन लोग मोहसिन वाडकर, इन लोगों ने मेरे ऊपर आके हमला किए। हाँ, आप लोगों ने हमला, उन लोगों ने आगे आप लोगों पे हमला किया, बहुत बुरी तरह से, इतनी बुरी तरह से हमला किए, मुझे रास्ते में गिरा कि मेरे कपड़े फाड़ के। तो आपने कंप्लेंट किए? मैंने इनके ऊपर कंप्लेंट की और तलोजा पुलिस चौकी ने मेरी कंप्लेंट ली है, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हो गया है। अच्छा। और वो निकालने के लिए मेरे ऊपर बार बार हमला किए जा रहा है, बार बार हमला किए जा रहा है। तुम्हारे पे हमला कभी हुआ? अभी उसके बाद में फिर से मेरे ऊपर हमला किया उन्होंने। कितनी तारीख को ये हमला पर? 18/3 को। ये अभी कहाँ पे हुआ ये हमला जो है उन्होंने कहा, इसमें मेरे ऊपर जो है तो अपना दहीसर है, दहीसर के पास में, तो मैंने वहाँ पे भी डायगर पुलिस चौकी में भी कंप्लेंट की, वो लोगों ने भी मेरे से मतलब कंप्लेंट भी कर रहे हो आप लोग, फिर भी कोई सुनवाई नहीं हो रही? सुनवाई नहीं हो रही यार, ये लोग इसी के अंदर बार बार गुनाह करते जा रहे, बार बार मोहसिन गुनाह, बार बार रियाज गुनाह कर रहा है, बार 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 वो लोग। अच्छा, आप आपके हस्बैंड पे आपने कई आरोप लगाए, तो ये पहले ठीक थे, अभी कुछ खराब होने लगे, आपने ऐसा भी कहा, तो ये कब से मतलब ऐसा आपका विवाद चल रहा है? ये ज्यादातर विवाद देखो 2 साल से हो रहा, 2 साल से विवाद हो रहा है। एक्चुअली क्या हुआ, कोरोना आपको घर से भी निकाला गया, ऐसा भी कहा आपने। तो आज आपका कुछ विवाद हो, आज आपको मारा गया जी, तो कौन लोग थे मारने वाले? मेरे जेठ और मेरे देवर सिराज पठान और अब्दुल्ला एडवोकेट अब्दुल्ला और सिराज पठान। लेडीज भी थे उसमें, और लेडीज का तो चलो लेडीज ठीक है, लेकिन अब्दुल्ला पठान सिराज पठान का नहीं, आदमी बार बार आदमी लोग बार बार औरतों के ऊपर हमला करते हैं। मैं भाग रही पुलिस चौकी में आई तो मेरे को ऐसा पकड़ रहे तो मैंने ऐसा ये कही तो बुरखा फट गया मेरा, इधर से पूरे पूरे चैन फट गए मेरे बुरखे के एकदम से, मतलब बहुत जलील कर रहे बहुत, और ऊपर से ऐसा मारे, वैसे भागते भागते सर के पास गए कि मेरी मदद। क्यों मारे आपको आज? मेरा घर तोड़ रहे, मेरे को घर से निकाल रहे, मेरे बच्चों के साथ ये यही घर से जो आप घर में हो, खाली घर के लिए चल रहा हूँ उनका, बाकी मेरे मैं तो ये घर है किसका? लेकिन ये मेरे ससुरे का घर है, आपके ससुरे घर में मेरे को उन लोग ने शादी करके लेकर आए, तो मेरा हक बनता भाई यार रहने का, ठीक है नहीं भी बनता, तो तुम मेरा घर किराए पे चढ़ा के तुम मेरे को क्यों घर में नहीं रहने दे रहे? फिर तुम्हारे पास 10 रूम है, एक रूम नहीं है, ये रूम में, ये इस बिल्डिंग में उनके 2 रूम है, ये बिल्डिंग में उनके 2 रूम है, माउंटेन वैली में 2 रूम है, दाभोलकर में 1 रूम है, नितिन भवन में 2 रूम है, फिर और देखो उनके विस्टा वैली में 1 रूम है, फिर दुकान है उनके, फिर महांडोले में 1 खेत है, मतलब बहरहाल उनके रूम में भी है, लेकिन फिर भी आपको घर से बाहर निकाला जा रहा है। तो क्यों निकाला जा रहा है, मतलब आपने कभी पूछा नहीं वजह क्या है? मानते हो लोग पैसा चाहिए अब्दुल्ला को, मैं खटकती हूँ अब्दुल्ला को, पता नहीं बोलता मैं एडवोकेट है इसका तो मैं ऐसा ऐसा कर दूंगा। अरे भाई मेरे मैंने क्या करी, मैं कौन से, मैं 4 बच्चे लेके आ, शोहर ने मेरे को छोड़ के दिया 6 महीने से आ रहा नहीं मेरे पास में, तुमने उसको भी घर के अंदर लेके रखा, अगर मैं झूठूंगी तो आप माउंटेन वैली का कैमरा चेक करो, मेरे शोहर वही रह रहा है माँ बाप के साथ में। अच्छा, फिर इन लोग मेरे को आने नहीं देते, वहाँ पे गार्ड को बोल दिया कि अगर तूने उसको अंदर आने दिया तो मैं। अच्छा, अगर आप लोगों की सुनवाई नहीं होगी जी, तो आप लोगों का अगला कदम क्या हो? हम जहर पी के मर जाएंगे, मर जाएंगे, सुनवाई नहीं हो रही हमारी, बिल्कुल सुनवाई नहीं हो रही, ना जहर पी के मर जाएंगे। आज ही मैं बोल रहा आज ही मैं पुलिस चौकी इंसाफ चाहिए, बस मैं इंसाफ। जहर पी के मरने के बाद जिम्मेदार किसको ठहराओगे आप? ये मुमरा पुलिस वाले, मुमरा पुलिस वाले को, मुमरा पुलिस और जो आपके ससुराल के लोग, मेरे ससुराल के लोग, मेरे शोहर, मेरा जेल, मेरा ससुराल, मेरा देवर, मेरी देवरानी समीना, जेठानी समीना, देवरानी जयबुन्निसा, और इनके सबके एकदम मास्टरमाइंड रोफ पठान, रोफ शेख जो अंबा चौक में रहते हैं, वहां से वो मास्टरमाइंड चला के मेरे को परेशान कर रहे हैं। कौन है ये रोफ पठान? रोफ सिराज के ससुरे हैं, बोलते मैं पॉलिटिक्स का बहुत बड़ा लीडर हूँ और मैं तुमको उंगलियों पे नचा सकता हूँ। अच्छा,
कौन से पार्टी के लीडर है? एनसीपी पार्टी के लीडर। एनसीपी पार्टी के लीडर कहाँ रहते हैं? अंबाजोगे में रहते हैं, लेकिन अंबाजोगे से यहाँ पे वो मेरे को परेशान करते हैं। वो जो कि देवर जो ये देवर का पूरा काम है कि इन्हें पूरा मतलब ग्रीन मशीन ला के दीवारों से तोड़। अरे भाई तेरे अंदर ताकत है, मैं एक मतलब औरत हूँ, लेकिन तू मेरी बदुआ मत ले। मैं रमजान में परेशान हाल हूँ, एक खजूर नहीं खाने के लिए घर के अंदर मैं परेशान हाल हूँ। मैं किस हाल में, मेरे को पता है। बस अल्लाह से मांगती हूँ, अल्लाह इंसाफ कर मेरे साथ। बोल के मैं रास्ते पे बैठी हूँ, आज किसी हाल में बैठी हूँ। मेरे को पता है मैं कैसा बैठी हूँ। ये मेरा